हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस में आई हुई न्यू भर्तियों के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने ये अनाउंस किया है और ये बोला है कि हरियाणा पुलिस में की जाएगी 3500 चालकों की भर्ती, मतलब जो आपके ड्राइवर होते हैं वो वाले। हरियाणा डायल 112 कार्यक्रम के सुचारू और प्रभावी संचालन और चालकों की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा पुलिस में 3500 विशेषज्ञ चालकों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 1500 ड्राइवर की एसपीओ मतलब विशेष पुलिस अधिकारी रहेंगे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में, और 2000 एसपीओ पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक मतलब जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उनकी भर्ती होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को यहां हरियाणा डायल 112 एमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंट स्पोर्ट सिस्टम की स्थायी वित्त समिति की बैठक के बाद दी है। और इसमें बताया कि फिलहाल डायल 112 की सभी गाड़ियों को भी पुलिस कर्मचारी ही चला रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, उनके लिए अलग से पोस्ट होती है। जैसे आप यूपी पुलिस को लेके देख लो, दिल्ली पुलिस के लेके देख लो, वहाँ पर एक अलग से कैटेगरीज होती हैं कि भाई ये ड्राइवर की पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि कांस्टेबल से ही करवा लेते हैं वो काम। तो बैठक के दौरान बताया कि मई में डायल 112 का औसत रिस्पॉन्स समय लगभग 15 मिनट था और पिछले महीने में शिकायतकर्ता संतुष्टि 94.88% रही, जो इसके लॉन्च के बाद से सबसे अधिक है। हमें जो देखना है वो ये है कि आपकी 3500 पदों पे भर्ती होनी है, जिसमें आपका हाफ ऑफ द अबव रेशो किस चीज़ का रहेगा, भाई जो आपके पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक हैं, और 1500 यहाँ पर ड्राइवर जो प्योर ड्राइवर होंगे एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर के, वो यहाँ पे रहेंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 2000 एसपीओ की भर्ती की जाएगी, ये बताया है मनोहर लाल खट्टर ने। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सीईटी है उसकी भी यहाँ पे डिक्लेरेशन डाल दी गई है कि 99.99% आपका पेपर अगस्त में होना तय है। फिर भी अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है डेट में तो थोड़ा सा हो सकता है, बाकी हो जाएगा अगस्त तक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे क्या लिखा है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।